आप ग्राम लागू करो रेंजर गोरखनाथ राम पदाधिकारी करो जिले से आए पदाधिकारी एवं जिला बल के जवान उपस्थित थे। बाबर बरकटा थाना प्रभारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दोनों अवैध पत्थर खदाने से एक हाईवा गाड़ी एवं चार पोपलेन मशीन एक जनरेटर एवं एक ट्रैक्टर वाहन को बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में खनन विभाग जो भी प्राप्त आप लोग बोलते रहिए पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि बीते दिनों बरकानी बरकन गंगो स्थित सिमरिया जंगल में ब्लास्टिंग के क्रम में एक आदमी की मौत हो गई थी। इसके बाद विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों बोलिए ना सीट पढ़ाओ विराम लगाने की बात कही थी, जिस पर कई संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिससे पत्थर माफियों में हड़कंप मच गई है। घटना के बाद प्रशासन सख्त है और क्षेत्र में अवैध खनन चालकों पर किसी भी कीमत पर बंद जाएगा। छापेमारी इस तरह आगे भी जारी रहेगी। बरकटा से ईश्वर यादव की रिपोर्ट। एक जेपीएससी में 6 साल, तो बताइए कि 4 जेपीएससी में 24 साल बर्बाद कर रहे हैं। 24 साल में तो कम से कम 10 साल तो बर्बाद करेगा। इसीलिए हाँ बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने योजना नीति आसानी नीति में हाँ सर आप क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ कहना चाहते हैं सर कि झारखंड के सभी छात्र अब एक हो रहे हैं, सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए, जो भी नीति बने यहाँ झारखंडियों के हित में बने यही हम लोग मांग करते हैं। आरक्षण नीति जो सर बोल कर आए हैं सरकार में वो उसका पालन करे और विशेष करके अभी जेपीएससी का जो मुद्दा है उसमें जो बहुत सारी विसंगतियां हैं, विज्ञप्ति जो आया है 2011 कटअप रखना चाहिए था 2016 कर दी है, ये किसी भी बच्चों के लिए कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे जो नए पहली बार जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक जेपीएससी में 6 साल खा गया, तो अब बताइए 4 जेपीएससी नाम का है जिसमें सीट भी कम है, सीट बढ़ाने का मांग हम लोग करते हैं। और दूसरा बात है कि ये जो उम्र सीमा है 2011 रखा जाए और लगातार अगली जो जेपीएससी होगी वो 12 रखा जाए, इस तरह क्रम बाय हो, एक नियम संगत हो, झारखंड के हित में काम हो। हमारी सरकार है, हम लोगों ने इनको चुनकर लाया है, हम ही इनका सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में। हम लोग उनसे विनती करते हैं, हम लोग उनसे निवेदन करते हैं। बोकारो से इमाम सफी, धन्यवाद।